स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट एक में दी गई कविता सुबह हो गई पढ़ेंगे। सबसे पहले इस कविता में हम लोग कविता का स्वस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद हम कविता को के भावार्थ को जानेंगे, ये कविता हमें क्या बता रहा है। उठ जाओ उठ जाओ, सुबह हो गई, मुर्गे ने है बांग लगाई। उठ जाओ सुबह हो गई भाई, चिड़ियों ने भी डाला डेरा। ची 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 हुआ सवेरा, सूरज तुम्हें जगाने आया। किरणों ने है ली अंगड़ाई, उठ जाओ सुबह हो गई। इस कविता से हमें क्या पता चल रहा है कि एक छोटा बच्चा जो गहरी नींद में सोया हुआ है, वो उसे जगाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहले मुर्गा जो है वो क्या कर रहा है, बांग लगाकर उसे उठा, बांग मतलब क्या होता है, आवाज लगाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बच्चा नींद से उठ जाए। चिड़िया भी अपने घोंसलों से बाहर निकल गई है और क्या कर रही है, चींची की आवाज कर रही है, जोर जोर से चींची की आवाज से वो चिल्ला रही है ताकि जो बच्चा है वो गहरी नींद में सोया है वो क्या करे, उठ जाए। सूरज भी उसे जगाने आ गया है और सूरज की जो किरणें हैं वो भी धरती पर आई है और ऐसे अंगड़ाई ले रही है जैसे ऐसा लगा जैसे वो अपने सारे बदन को खींच रही है और उसे कह रही कि उठ जाओ मेरे भाई, उठ जाओ सुबह हो गई। दादी मंदिर करे की करे तैयारी, मुन्नी रोती बस्ता भारी। पापा जी अखबार मंगाते और दादी जी घूमने जाते। रसोई में अम्मा की अब तो खटखट शुरू हो गई, उठ जाओ सुबह हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दादी जी जो है वो क्या कर रही है, मंदिर जाने की तैयारी कर रही है। सुबह सुबह मंदिर जाने की तैयारी में वो क्या कर रही है, घंटी बजा रही है। अब घंटी बजा रही है इसलिए कि ताकि बच्चा जो है जो सोया हुआ वो उठ जाए। पापा जी है वो क्या कर रहे हैं, अखबार मंगा रहे हैं। मुन्नी जोर जोर से रो रही है, क्यों रो रही है, क्योंकि उसका जो बस्ता है वो क्या है, बहुत भारी है। दादाजी जो क्या कर रहे हैं, वो घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो आवाज कर रहे हैं ताकि वो बच्चा उठ जाए। माँ जो है रसोई घर में क्या कर रही है, खाना बनाने जा रही है और वो खटखट की आवाज वहां पे किचन से आवाज आ रही है ताकि बच्चा जो है वो जो सोया है वो उठ जाए और उसे लगे कि अब सुबह हो गई। ऊ करना छोड़ दो अब तो, हिलो जरा तुम आंख तो खोलो। नहा धोकर तैयार तुम होना, अनमोल समय है यूं मत खोना। चंदा छिप गया तारे, रात भी जाने कहां खो गई, उठ जाओ सुबह हो गई। बच्चा जो है गहरी नींद में सोया है, वो नखरे कर रहा है और वो आंख खोलने की कोशिश भी नहीं कर रहा, उसे पूरा हिलाया जा रहा ताकि वो नींद से जागे, आंख खोलकर तो देखे कि सुबह हो गई है। उसकी माँ कह रही है उठ जाओ नहा धोकर तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सुबह का समय जो होता है वो क्या होता है, काफी अनमोल होता है। इस प्रकार इस अनमोल समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस दिन के उजाले में क्या हो गया है, चंदा छिप गए हैं, तारे छिप गए हैं, रात भी जाने कहाँ छिप गई है। और उसे उठाने के लिए सब लोगों ने काफी प्रयास किया है, बच्चों को उठाने के लिए। बच्चा जो क्या है गहरी नींद में सोया हुआ है और उसे उठाने के लिए इतनी सारी कोशिश की जा रही है। तो इस कविता से क्या पता चल रहा है, इस कविता से पता चल रहा है कि हमें सुबह बच्चों को जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और हमारे स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ दिमाग का विकास होगा। हाँ, कविता का भावार्थ हमने जाना और उसके बाद आप लोगों को कॉपी में ये होमवर्क करना है। कॉपी वर्क में सबसे पहले शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद कविता, फिर मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का यहाँ पे मैंने उत्तर लिख दिया है जिसे आप लोग कॉपी में कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर में दिया हुआ है कि लिखित प्रश्न पंक्तियां पूरी करें। ये कविता दी गई है, उसकी पंक्तियां पूरी करना है और ये सही उत्तर पर सही का निशान है जो पेज नंबर एट में दिया गया है सही उत्तर पर सही का टिक लगाए। तो शब्दार्थ में पहला क्या दिया गया, सुबह मतलब क्या होता है, सवेरा। डेरा मतलब क्या होता है, जमकर बैठना। अनमोल मतलब क्या होता है, कीमती। खोना मतलब बर्बाद करना। बांग मतलब मुर्गे की आवाज। अंगड़ाई लेना, शरीर को जोर से खींचना। रसोई मतलब वह स्थान जहाँ पे खाना बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रसोई। चंदा यानी चंद्रमा। मौखिक प्रश्न दिया है कि मुर्गे ने बांग लगाकर क्या कहा, ये प्रश्न पूछा, क्या पूछा है, मुर्गे ने बांग लगाकर क्या कहा, तो मुर्गे ने बांग लगाकर उठ जाने को कहा। सूरज क्या करने आया है, तो सूरज हमें जगाने आया है। दादी जी कहाँ जाने की तैयारी कर रही है, तो दादी जी मंदिर जाने की तैयारी कर रही है। सही उत्तर पे चिन्ह लगाना है, तो पापा जी ने क्या मंगवाया, तो पापा जी ने क्या मंगवाया था, अखबार मंगवाया था पढ़ने के लिए। दादाजी कहाँ गए, दादाजी घूमने गए।
यहाँ पे मिलान करे, दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है मिलान करे, मिलान करे में ये आप लोग चित्र देखकर यहाँ से मिला देना है कि कौन कौन बना हुआ है चित्र में और यहाँ पे कौन कहाँ जा रहे, इसको मिलान करना है। यहाँ पे कविता की पंक्तियां पूरी करे, पेज नंबर 9 जिसमें कविता की पंक्तियां को पूरी कर लेना है। प्रश्न 4, यहाँ पे उत्तर लिखे, रसोई में कौन काम कर रही है, तो रसोई में कौन काम कर रही थी, रसोई में माँ काम कर रही है। सुबह होने पर सबको क्या करना चाहिए, सुबह होने पर सबको उठ जाना चाहिए। मुन्नी क्यों रो रही थी, तो मुन्नी रो रही थी क्योंकि उसका बस्ता भारी था। यहाँ पे एक दिया हुआ है प्रश्न जिसमें ई ऊ ओ तथा ऊ की मात्रा लगाकर एक नया शब्द बनाना है, तो यहाँ पे सारे अधूरे शब्द लिखे हुए हैं, इसको देखकर चित्र देखकर इस शब्द को हमें पूरा करना है। यहाँ पे चित्र बना हुआ है परी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ई की बड़ी की मात्रा लगा दे तो यह क्या बन जाएगा, परी। यहाँ पे चित्र है मोर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मर अमर, तो यहाँ पे माँ पे ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये मोर। यहाँ पे फूल का चित्र है, यहाँ लिखा है फल, यहाँ पे छोटी बड़ी ओ की मात्रा लगा देंगे तो यह क्या बन जाएगा, फूल। इसी प्रकार यहाँ पे बना हुआ है पूल का चित्र और यहाँ लिखा हुआ है पल, यहाँ पे ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये पुल। तो ये प्रकार इस चित्र के माध्यम से हम एक नया शब्द बनाएंगे। इस चित्र के बाद इसके क्या करना है, इसे आप लोगों को इसे अभी अपने कॉपी में बना लेना है और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब सही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।